हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर 5 नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स: इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह यूज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव, द टू इज इन द इन्फिनिटिव इज ओमिटेड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर बिड अस टू डू हार्ड वर्क। I let the bird fly. I saw the child weep. To infinitive. The infinitive may be used at several places of the sentence. Infinitive को हम sentence में कई तरीके से use कर सकते हैं। First, as the subject of a verb. इन्फिनिटिव को हम सम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू सी इज टू बिलीव। सेकेंड, हम इन्फिनिटिव को एज ए ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेव डू नॉट फियर टू डाई, एवरीबडी होप्स टू सक्सीड। सेंटेंस में इन्फिनिटिव को हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, माई ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज़ टू स्टैंड फर्स्ट। यहाँ पर टू स्टैंड ये कॉम्प्लीमेंट है। ही सीम्स टू बी स्टूपिड। एंड इन्फिनिटिव को हम प्रीपोजिशंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। द पुअर पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई, द एनिमी हैड नो अल्टरनेटिव बट टू यील्ड। एडजेक्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी हम इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं। ही हैज ए कार्स टू रिपेंट, हियर इज ए हाउस टू रिपेयर। एज ए एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव को हम सेंटेंस में सेवरल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो फिर उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सेकेंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम उसे वर्ब भी कह सकते हैं, उसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड द वर्बल एडजेक्टिव। इसीलिए इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आर फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म। यू नो वेरी वेल आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, गो गोइंग, ईट ईटिंग, राइट राइटिंग, क्राई क्राइंग, फ्लाई फ्लाइंग, लाफ लाफिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं तो उसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं और वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब वही पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म जब हम सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आर फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म, आईएनजी टू वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट एन इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट। आई हर्ड द चाइल्ड क्राइंग, मैंने सुना बच्चे को रोते हुए। चाइल्ड क्राइंग, द बॉय इंटर द रूम लाफिंग, लड़का कमरे में इंटर किया हंसते हुए। यहाँ पे लाफिंग और क्राइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कभी कभी आप कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन नहीं है, बल्कि हम स्मोकिंग को ही सब्जेक्ट बना के बोलते हैं। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग फुटबॉल इज़
माई हॉबी, यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल, वॉकिंग, साइकिलिंग, इस सब में आई एन जी फॉर्म लगा है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं, पास्ट नाम से ही आपको लगता है ये पास्ट की बातें हो रही है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल हमारा वर्ब का जो थर्ड और सेकेंड फॉर्म होता है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जांपल डिड, डन, जिसमें डी ई डी जैसे लाफ, लाफ्ड, राइट, रिटेन, ये सब फॉर्म थर्ड फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म का जो वर्ड वर्ब होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जाम्पल वी सा द ट्रीज लेडन विथ एप्पल, लेडन मतलब लदा हुआ, हमने देखा पेड़ों को जिसपे एप्पल्स लदे हुए थे। द पुलिस फाउंड द प्लेस अबेंडन, यहाँ पे लेडन और अबेंडन ये आपके थर्ड फॉर्म के साथ यूज हुए हैं इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल डोनेट एन एक्शन और स्टेट विच इज कम्प्लीटेड, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट में सारे एक्शंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये सब ये पास्ट पार्टिसिपल हम हमेशा एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में बात करते हैं। एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट जैसे परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यूज करते हैं, इसी से आप समझ जाइए कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन या फिर हैविंग हम यूज करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग और हैविंग बीन बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम हैविंग यूज कर देते हैं तो वो परफेक्ट बन जाता है, जब हैविंग नहीं यूज करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जब उसी थर्ड फॉर्म के पहले हम हैविंग या फिर हैविंग बीन यूज कर देते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैविंग फिनिश्ड माई लेसन आई वेंट टू बेड, मीन्स हमने अपने लेसन को फिनिश्ड किया फिर मैं बेड पे चला गया अपने। हैविंग बीन सेलेक्टेड ही रिजॉइस्ड एट द न्यूज, उसके सेलेक्ट होने की खुशी में उसने न्यूज़ पे इंजॉय किया, रिजॉइस किया मीन्स आप काफ़ी अच्छा लगा उसे। परफेक्ट पार्टिसिपल डिनोट एन एक्शन विच इज कम्प्लीटेड एट सम टाइम्स इन द पास्ट, जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो उसमें कोई भी एक्शन जो पास्ट में फिनिश्ड हुआ रहता है उसके बारे में बात करते हैं। एंड थर्ड है द जीरेंड। ए जीरेंड इज ए वर्बल नाउन, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब एंड इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, ये एक नाउन की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, इन दिस सेंटेंस पेंटिंग एंड स्मोकिंग आर फॉर्म द वर्ब्स पेंट एंड स्मोकिंग। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन, वे नाउन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दे आर पार्टली नाउन्स आर पार्टली वर्ब्स, उन्हें हम नाउन्स भी कह सकते हैं और वर्ब भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ द बुक देन ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। इफ एनी डाउट you can ask me in the WhatsApp group.